अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ का जोड़। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस उस्मान उसामा, मगर जो है उस्मान मैं अगर ये कहूँ कि जिस तरह की कल परफॉर्मेंस आई और जिस तरह आप आए टीम में और फौरन आते ही वो परफॉर्मेंस जो सिलेक्शन थी उसको आपने जस्टिफाई किया। जी बिल्कुल, पहले दो मैचेस नहीं खेला था तो यही था माइंड में कि पता नहीं मैच खेलूंगा कि नहीं, बट ये कि डैरेन सैमी जो हैं हमारे कोच, उन्होंने सुबह मुझे मैसेज किया और बोला कि आप मैच खेल रहे हो और आप लास्ट सीजन भी खेले थे पिशावर सिटी की तरफ से, तो अब इस साल जो है वो आप टीम में आए हो तो अब ये है कि आपका रोल आप उन्होंने मुझे असल में रोल दिए कि आपने ये करना है ये करना है। तो आई थिंक कि जब मैं बॉलिंग के लिए आया था तो थोड़ा सा नर्वस भी था और उसके बाद जब मैंने एक दो बॉल कर दी तो फिर वो सेटल डाउन हो गया था। बट ये है कि जैसे ही रात को बॉलिंग में टर्न भी हो रहा था बॉल और जहाँ पे मैं बॉल फेंकना चाह रहा था वहाँ पे गिर रहा था, तो इसलिए विकेट से मिल गई। उस्मान, जेसन रॉय की जो आपने डिसमिसल किया था वो तो जैसे कहना चाहिए ना कि रॉय बड़ा कैलिबर का प्लेयर है और उसको जो आपने गुगली फेंकी थी बिल्कुल टोटली बैम्बूजल्ड हिम। प्लान की थी वो, उसको कुछ सेटअप किया था आपने, जरा टेक अस थ्रू दैट डिलीवरी के किस तरह आपने उसको जो है यहाँ पे फंसाया जेसन रॉय को। मोस्टली अगर आप T20 में देखें कि बैट्समैन जो है वो हिट मारने की कोशिश करते हैं कि बॉलर का यही होता है कि जितने डॉट बॉल्स कर सके वो करे, तो मेरे माइंड में भी यही था कि मैं जो है उसको डॉट बॉल करूँ। और पहले जब मैंने उसको एक लेग ब्रेक किया वो काफी टर्न बाउंस भी हुआ, ऊपर भी चढ़ गया बॉल, उसके बाद मैंने क्योंकि मेरे जेहन में था कि इसने हिट मारनी क्योंकि स्कोर बहुत कम था उस टाइम उनका, तो मैंने उसको ऑफ साइड के बाहर बॉल किया तो वो ज्यादा टर्न हो गया बट वो वाइड हो गया। तो लास्ट बॉल था तो मैंने फिर चांस लिया, मैंने अपने साथ ऐसे किया कि इसको रॉन्ग वन करते तो हो सकता है कि ज्यादा टर्न नहीं हो और सीधा थोड़ा सा बॉल रह जाए, तो जो मेरे माइंड में था जो मैंने फिर बॉल किया तो वैसे ही वो डिलीवर हो गया उसके बैट के नीचे से निकल गया, बॉल ज्यादा टर्न भी नहीं हुआ तो वो इस वजह से वो आउट। नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल इंजी भाई, आप तो खैर रेगुलरिटी में, जाहिर सी बात है उस्मान के साथ आपकी कॉन्वर्जेशन डिस्कशन रहती होगी, बट फिर भी कितना जो है आपसे इंटरेक्शन में आप कहेंगे कि उस्मान को बैटर और बॉलर वाला डिफरेंस नहीं मगर एक टीम में टेम्परमेंट रखने के हिसाब से सीखने को मिला? मुझे आवाज नहीं आ रही किसी के भी, बहुत कम आ रही आवाज। अच्छा इंजी भाई, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, आपकी अब आवाज आ रही है, बीच में से ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ऑब्वियसली आप तो उस्मान आपके साथ है टीम में, मगर एक मैच टेम्परमेंट की जब बात होती है ऑब्वियसली बॉलर्स बैटर्स का डिफरेंस, मगर जो मैच टेम्परमेंट की बात होती है आपको उस्मान को कितना आपसे सीखने को मिल रहा है इस पूरे टाइम फ्रेम में? मेरे ख्याल में अगर आवाज आ रही है सारों को तो ये तो खैर उस्मान बताएगा कि जी सीखने को मिल रहा है या क्या सूरत हाल है, लेकिन ये कि ये उस्मान खुद है ना काफी एक्सपीरियंस है ना प्लेयर है और ये पाकिस्तान से खेलता रहा है और मुख्तलिफ लीग्स में जाके खेलता है और ये हर एक प्लेयर्स के लिए बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह जिस तरह इसने कल की बॉलिंग की, और देखो ये एक्सपीरियंस क्या है क्योंकि जी कल आपको कंडीशंस अपने मतलब की मिली, आपने उसका फायदा उठाया, यही एक्सपीरियंस का फायदा है कि जिस टाइम भी लेके आए और हमारी जितनी भी ये जलमी की मैनेजमेंट थी इसकी सोच यही थी कि राइट आर्म लेग स्पिनर है ना वो विकेट लेके दे रहे हैं और अभी जितना भी PSL हुआ है उसमें पार्टनरशिप है ना मेन रोल अदा कर रही है क्योंकि जी अगर पार्टनरशिप ना लगे तो आप स्कोर कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए उस्मान को है ना प्रेफर किया था और उस्मान ने बिल्कुल एग्जैक्ट वही आके किया कि इसने ना विकेटें ली है आके, तो जिससे ना हमारी टीम को है ना फर्क पड़ा है। ग्रेट मिसबा, उस्मान की बॉलिंग आपने देखी कल, उस्मान से आप बात भी कर सकते हैं, कोई कमेंट, कोई एडवाइस, एनी क्वेश्चन दैट यू विश टू आस्क? मेरे ख्याल में वेरी वेल डन। जो मेरे ख्याल में गेम में मैं कहूँगा डिफाइनिंग एक मोमेंट था वो वही था कि 6 ओवर्स में जैसे फास्ट बॉलर्स ने जो इम्पैक्ट छोड़ा क्वेटा पे और पेशावर जर्मी ने जैसा प्रेशर डाला, वो बड़े इम्पोर्टेंट ओवर होते हैं क्योंकि टीम्स जो है वो रिकवरी की तरफ जाती हैं, वो 6 के बाद जो 7 से 10 तक के या 12 तक के ओवर होते हैं लेकिन वो उनको बिल्कुल सांस नहीं लेने दी,
वो जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ है तो उस्मान ने आगे जैसी बॉलिंग शुरू की है वो एकदम प्रेशर पड़ा है कि अब क्या होगा, ये तो गेंद स्पिन भी हो रहा है और सबसे जो अच्छी चीज़ थी कंट्रोल था, जो काफ़ी अरसे के बाद जिसको देख के मज़ा आया कि कोई एक बॉल भी चार ओवर्स में ऐसा नहीं गिरा जो बहुत ज़्यादा आगे गिरा हो या शॉर्ट थोड़ा सा, कई दफ़ा उस्मान से शॉर्ट बॉल गिरता है तो जो कंसिस्टेंसी जो हम हमेशा बात करते हैं वो आउटस्टैंडिंग थी। बाकी वेरिएशन मेरे ख़्याल में जितने भी लेग स्पिनर इस वक्त खेल रहे हैं पीएसएल में भी, उस्मान हमेशा से उन सब में स्पिन वाइज बाउंस जो है इसका वेरिएशन जो है इसके पास उन सब से बेहतर है। और सबसे जो मुश्किल काम इसके लिए था पहले वो कंसिस्टेंसी, तो कल के मैच में जिस तरीके से इसने बॉलिंग की है होप के अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रखेगा, और इसने कुछ ना कुछ इसके लिए किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, पहले भी करता था, बट इस तरह की अगर कंसिस्टेंसी ये ले के चल सकता है तो ना सिर्फ इस पीएसएल में बल्कि बहुत जल्दी ये पाकिस्तान टीम में भी मेरे ख्याल में आके रोल प्ले कर सकता है जो इसने कल प्ले किया। चलिए ग्रेट, उस्मान से हम सुनेंगे इसका जवाब इन कमेंट्स के ऊपर, लेकिन अभी हमें बढ़ना है एक जानिब, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। रिमेंबर वी आर स्टिल रिव्यूइंग यस्टरडेज मैच, वापस आके थोड़ी देर में हम जो है वो आज आने वाले मैच पे भी बात करेंगे।